नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ने की काफी संभावना है। महिलाएं इस बार के चुनाव में एक नई लकीर खींचने वाली हैं। दरअसल कश्मीर रीजन की आधे से ज्यादा सीटों पर महिला मतदाताओं की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है और बड़ी तादाद में उनके चुनाव में भागीदारी की उम्मीद की जा रही है। और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि तमाम पार्टियों की नजर इस अहम वोट बैंक पर टिकी है और उनके लिए वादों के पिटारे खोल दिए गए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि चुनाव में भले ही महिला उम्मीदवार कम हो, लेकिन महिलाओं के वोट सबके लिए अहम हैं। कश्मीर रीजन के चुनावी नतीजों में महिलाओं के वोट बेहद ही असरदार साबित होने वाला है। हालांकि ये बात अलग है कि चुनाव में महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में तमाम राजनीतिक दलों ने परहेज किया है और गिनी चुनी महिलाएं ही चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उनके वोट पर हर एक पार्टी की उम्मीद टिकी है। क्या है महिला मतदाताओं का गणित और किस तरह से ये चुनावी नतीजों पर डालने वाली असर, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश कश्मीर में नारी शक्ति। महिलाओं का रोल अहम। मताधिकार में रहेंगी प्रथम। महिलाओं का खास ध्यान। पार्टियों में मचा घमासान। कांग्रेस एनसी ने कसी कमर। जम्मू में बीजेपी का असर। प्रचार अभियान में धार। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदली हुई है। एक दशक बाद होने वाले चुनाव को लेकर महिला मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। रजिस्टर्ड मतदाताओं की सूची में महिलाएं आगे हैं और कश्मीर की ज्यादातर सीटों पर वो नतीजों को प्रभावित करने वाली स्थिति में है। कश्मीर रीजन में महिलाओं चुनावी नतीजों में एक नई लकीर खींचने वाली हैं और उनके वोट इस बात को तय करने में अहम रोल अदा करेंगे कि आधी से ज्यादा सीटों पर किसकी जीत होगी। कश्मीर में सियासी तस्वीर बदलने में महिलाओं की भागीदारी अहम साबित होने वाली है। चुनाव की नई लकीर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर देश दुनिया की नजर टिकी है। एक दशक बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर बदली हुई है। इस बदले चुनावी माहौल में सियासतदानों का आकलन पूरी तरह से गड़बड़ाता नजर आ रहा है। दरअसल वादी में इस बार मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है और इस बात की पुष्टि इससे भी हो रही है कि दशकों बाद वादी में मतदाता बड़ी तादाद में अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने में महिलाएं आगे हैं, मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर में इस बार के चुनाव नतीजों में नारी शक्ति अहम रोल निभाने वाली है। यूनियन टेरिटरी में कुल 88,03,020 मतदाता हैं, जिसमें 44,89,058 पुरुष और 43,13,794 महिला मतदाता हैं। एक तरफ कश्मीर रीजन की ज्यादातर सीटों पर महिलाओं का रोल अहम होगा, जो जम्मू रीजन में पुरुष के मुकाबले थोड़ी ही कम है। कश्मीर रीजन के 47 विधानसभा क्षेत्रों में से 16 में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाता ज्यादा है। राजधानी श्रीनगर में 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इन सीटों के नतीजों पर महिलाओं की निर्णायक भूमिका होने वाली है। श्रीनगर जिले में 3,86,654 पुरुष मतदाताओं के मुकाबले 3,87,778 महिला मतदाता हैं। जिस विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाता ज्यादा हैं, उनमें हजरतबल, खनियार, हब्बा कदल, लाल चौक और जदीबल
शामिल हैं। केवल सेंट्रल, शॉर्टिंग और ईदगाह क्षेत्र में स्थिति थोड़ी अलग है। इसी तरह जिला पुलवामा के सभी चारों विधानसभा क्षेत्र में महिला मतदाता ज्यादा हैं। जिले में 2,02,475 पुरुष मतदाताओं की तुलना में 2,05,141 महिला मतदाता हैं। इनमें पंपोर विधानसभा क्षेत्र में 50,680, त्राल में 49,348, पुलवामा में 50,130 और राजपुरा में 54,983 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा जिला कुपवाड़ा के तरह गांव में 39,000 पुरुषों के मुकाबले 39,569 महिला मतदाता हैं। कुपवाड़ा में 47,181 पुरुषों के मुकाबले 47,772, लंगेट में 60,056 पुरुषों के मुकाबले 60,152 महिला मतदाता, बारामूला जिले की सुपोर विधानसभा क्षेत्र में 56,024 पुरुषों के मुकाबले 56,805 महिला मतदाता हैं। गांदरबल में 64,109 पुरुषों के मुकाबले 64,904 महिला मतदाता, कुलगाम में 58,477 पुरुषों के मुकाबले 58,845 महिला मतदाता और अनंतनाग जिले के श्री गुफारा बिजबिहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 50,728 पुरुषों के मुकाबले 51,353 महिला मतदाता रजिस्टर्ड हैं। कश्मीर से अलग जम्मू रीजन में स्थिति अलग है। जम्मू रीजन के सभी 10 जिलों के 43 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं के मुकाबले पुरुष मतदाता ज्यादा हैं। यहां पहली बार वोट देने वाले युवा मतदाताओं की संख्या 3.71 लाख है, जबकि कुल मिलाकर 20.7 लाख युवा मतदाता हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों में अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता पैदा हुई है। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में मतदान करके यूनियन टेरिटरी के लोग इसको साबित कर चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत के बढ़ने की उम्मीद है और इसी को ध्यान में रखते हुए मतदान के खास इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्र इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि मतदाता आसानी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। चुनाव आयोग की तरफ से विशेष मतदान केंद्र स्थापित करने का भी फैसला किया गया है। इसमें गुलाबी, युवा, पीडब्ल्यूडी के साथ ही हरित मतदान केंद्र भी शामिल हैं। लोग रिकॉर्ड संख्या में मतदान में हिस्सा लें, इसके लिए जागरूकता अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। मतदान का खास इंतजाम। चुनाव नजदीक आने के साथ ही भारत के चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि देश के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक में रहने वाले ग्रामीण अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर सके। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था और इस बार इसमें जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों तक लोगों की पहुँच को आसान बनाने पर गौर किया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद भी विधानसभा सीटों की सीमाएं नहीं बदली गई हैं। हालांकि 7 सीटें विधानसभा में जोड़ी गई हैं, जिनमें 6 जम्मू रीजन में हैं और 1 सीट कश्मीर घाटी में बढ़ाई गई है। जम्मू रीजन में परिसीमन से पहले 37 सीटें थीं, जो अब 43 हो गई हैं। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे। ये 10 साल में मैक्सिमम टेररिज्म की जगह मैक्सिमम टूरिज्म पर शिफ्ट हुआ है। ये 10 साल सुख और समृद्धि का रास्ता प्रशस्त करने वाले रहे हैं और ये 10 साल जम्मू कश्मीर के मूल बासिंदों की संस्कृति को तकात देने वाले ये 10 साल रहे हैं। श्रीनगर जिले में निर्वाचन आयोग ने 932 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जिनमें से शहरों में 885 मतदान केंद्र हैं, जबकि गांवों में 47 मतदान केंद्र हैं। जदिवल निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा 143 मतदान केंद्र भी हैं, ताकि सभी पंजीकृत मतदाता सुचारू तरीके से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। वहीं चुनाव आयोग की तरफ से विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें 8 गुलाबी मतदान केंद्र, 8 युवा मतदान केंद्र, 8 पीडब्ल्यूडी मतदान केंद्र, 5 अद्वितीय मतदान केंद्र और 8 हरित मतदान केंद्र शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा कई मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में कई स्तर पर बदलाव दर्ज हुए हैं। महिलाएं सशक्त हुई हैं और वो अब निर्णायक भूमिका में खुद को पेश करना चाहती हैं और इसी का नतीजा है कि वो चुनाव में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने में उनकी दिलचस्पी इसकी पुष्टि है। महिलाओं की चुनाव में भरने वाली भागीदारी को देखते हुए तमाम पार्टियां उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। यूनियन टेरिटरी की आधी आबादी का दम इस बार के चुनावी नतीजे में दिखने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल उनके लिए अलग अलग वादे कर रहे हैं। वोट बैंक पर नजर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां असमंजस में हैं। इस बार का चुनाव तमाम पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। बीजेपी सभी भी कदमों के साथ आगे बढ़ रही है और इसे इस बात का भरोसा है कि जिस तरह से लोगों ने लोकसभा चुनाव में उसके पक्ष में मतदान किया था वो विधानसभा चुनाव में भी दोहराएंगे। यही वजह है कि बीजेपी न सिर्फ सीटों के चयन पर ध्यान दे रही है बल्कि तमाम वर्गों को साधने की रणनीति पर भी अमल कर रही है। यूनियन टेरिटरी की सियासी नतीजों को ध्यान में रखते हुए महिला वोटरों पर खास ध्यान दिया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तमाम वोटरों का ध्यान रखा है। गरीब, महिला, युवा और किसानों के लिए अलग अलग तरह के वादे किए गए हैं। बीजेपी चुनाव में इस फार्मूले पर पहले भी अमल करती है और ये चुनाव में सामाजिक वर्गीकरण को साधने में अहम साबित होता रहा है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 18,000 रुपए, उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त LPG सिलेंडर और आरक्षण समेत कई वादे किए हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों के बैंक ऋण पर ब्याज के विषय पर सहायता देने का वादा किया है। हमने तय किया है कि महिलाओं के उत्कर्ष के लिए कई सारे निर्णय करेंगे। हम मां सम्मान योजना के तहत सबसे वरिष्ठ माता को, घर में एक वरिष्ठ महिला को, बहन को प्रतिवर्ष 18,000 रुपए की सहायता उनके जीवन यापन के लिए देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए अब तक के बैंक ऋण को हम सहायता देकर माफ करने की योजना करेंगे। उज्ज्वला के सारे लाभार्थियों को 2 LPG सिलेंडर हम मुफ्त देंगे। जम्मू और कश्मीर में पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5,00,000 रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। प्रगति शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष DBT के माध्यम से कॉलेज के विद्यार्थियों को 3,000 रुपया ट्रैवलिंग अलाउंस देंगे। जम्मू और कश्मीर के युवाओं को JKPSC और UPSC की प्रतियोगी परीक्षा में सक्षम बनाने के लिए 2 वर्षों के लिए 10,000 तक की कोचिंग फी का रीएम्बर्समेंट करेंगे। परीक्षा केंद्रों तक ट्रैवल कॉस्ट को हम रीएम्बर्स करेंगे। दूर दराज के क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को जो छात्र छात्राएं हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा पीर पंजाल की और दोनों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को होने वाला है, उनको हम टैबलेट और लैपटॉप प्रदान करेंगे। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस, NC, गठबंधन और PDP ने भी कई वादे किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र से बीजेपी की कई योजनाओं पर निशाना साधते हुए उसे हटाने का भी वादा किया है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को महिलाओं से किए झूठे वादों का पुलिंदा बताती आई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव को लेकर अपना फोकस आर्टिकल 370 बनाम राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर अपना फोकस रखा है। एनसी की सबसे बड़ी गारंटी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और कानूनी स्थिति को बहाल करने की है। गरिमा, पहचान, विकास के नाम के घोषणा पत्र को 3 भागों में बांटा गया है और पहले 12 वादे किए गए हैं। राज्य के दर्जे पर बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रतिबद्धता को संकल्प पत्र में भी दोहराया गया है। राज्य के दर्जे के मुद्दे पर वोटों की ध्रुवीकरण की रणनीति पर बीजेपी का ये जोरदार हमला है। बीजेपी गुर्जर, बकरवाल और दलित समुदायों को भी अपने पक्ष में करने में जुटी है। एनसी का एजेंडा मैंने पढ़ा और एनसी के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी
अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी। मैं श्री उमर अब्दुल्ला को बताना चाहता हूं, उमर साहब, चूंटनी का नतीजा जो आए वो आए, हम गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी के आरक्षण को आपको छूने नहीं देंगे, ये बात आप याद रखें। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव सियासी पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इंडिया गठबंधन अधूरा है तो बीजेपी के पास एकला चलोरे की राह है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के मुताबिक विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनसी के बीच भी बड़ी टक्कर है। पीडीपी बहुत बड़ा धमाल करने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। कश्मीर रीजन में बीजेपी निर्दलीय उम्मीदवारों पर दांव खेल रही है। कुल मिलाकर सभी पार्टियों के लिए स्थिति साफ नहीं है। मतदाताओं के बदले मूड को समझना भी राजनीतिक दलों के लिए आसान नहीं लग रहा। वादी का चुनावी घमासान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों के बीच गतिविधियां बढ़ गई हैं। कहीं गठबंधन की दरकार है तो कहीं अकेले ही हुंकार भरने की तैयारी चल रही है। यहां आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ था, तब से अब तक 10 साल के दरमियान काफी कुछ बदल गया है। खासतौर पर 370 और 35 के निरस्त किए जाने के बाद से माहौल काफी बदला है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हमेशा से देश के बाकी हिस्सों से अलग मिजाज के रहे हैं। इसमें ऐसे कई असामान्य कारण शामिल रहे हैं जो चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करती रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख है चुनाव के दौरान सुरक्षा की स्थिति। सुरक्षा कारणों ने पिछले चुनाव में लोगों की भागीदारी को प्रभावित किया था। हालांकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान ने उम्मीदें बढ़ाई हैं कि विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह का उत्साह देखने को मिलेगा। पहले जम्मू कश्मीर में एक जमाना था कि 10% अगर वोटिंग हो जाती है तो सारे अंग्रेजी अखबारों में हेडलाइन बनता था कि जम्मू कश्मीर में डबल डिजिट वोटिंग हुआ। आज मैं बताना चाहता हूं, ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव में 98.3% और अभी जो हुआ आम चुनाव उसमें 58.46% वोट, जो रिकॉर्ड वोट है, जो बताता है कि घाटी और जम्मू दोनों की जनता लोकतंत्र के साथ। लोकसभा चुनाव में एनसी ने कश्मीर की 3 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने जम्मू की दोनों सीटों पर अपनी जीत को बरकरार रखा था। अब सवाल ये है कि क्या यही वोटिंग पैटर्न विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अगर हम लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो एनसी ने 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 34 पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी ने जम्मू में 29 सीटें हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। दोनों पार्टियां अपने लोकसभा प्रदर्शन को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने को आश्वस्त दिख रही हैं। बीजेपी कश्मीर घाटी में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जबकि जम्मू बीजेपी का मजबूत गढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने जम्मू रीजन में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश की है। इसके साथ ही कश्मीर रीजन में भी निर्दलीय उम्मीदवारों पर दांव खेलने जा रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अब तक के चुनावों से बिल्कुल अलग है। इस बार चुनाव में बात लोगों के फायदे पर आकर टिकी है। आर्टिकल 370 और राज्य के दर्जे पर सियासी घमासान के बीच ऐसा पहली बार है जो लोगों के लिए वादों के पिटारे खोल दिए गए हैं और हर वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने की बात की जा रही है। बदले सियासी माहौल में मतदाता इस बार अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर सतर्क हैं और ये देखा जाना दिलचस्प होगा कि वो इस बार किसके सर पर ताज पहनाते हैं। कश्मीर में नारी शक्ति के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।